मुझे पर्दे से बाहर, मैं वरना वही खिलवते राजे नेहा हूँ। शिखर नर्तक गुरु पद्मश्री प्रताप पवार का नाम आते ही मुझे मीर साहब का ये शेर याद हो गया। मध्य प्रदेश के धार में जन्मे मराठा आन बान परिवार के बीच पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने नृत्य शिक्षा को अपनाया। यद्यपि पुरुषों के लिए तब बहुत कठिन था, भरतनाट्यम से कथक की खोज करते हुए वे इंदौर से मध्य प्रदेश से दिल्ली आ पहुँचे। बहुत से पहले काम अंजाम का प्रताप पवार जी का एक अपना रिकॉर्ड है। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के वे सबसे पहले गंडाबंद शागिर्द बने। गयाना में कथक शिक्षक बनकर कथक के लिए एक नया इतिहास रचा। त्रिनिदाद में 3 वर्ष कथक की शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद लंदन में भारतीय विद्या भवन में उन्होंने गुरु की भूमिका निभाई। वे पहले एक ऐसे नर्तक रहे जिन्होंने फ्लेमेंको डांस से अपने आप को जोड़ा, उससे जुड़े, उसको सीखा और कई प्रयोग किए। उन्होंने कई नृत्य नाटिकाएं और नृत्य संरचनाओं का निर्देशन किया और देश विदेश में कथक के प्रचार प्रसार के लिए वे जिंदगी भर समर्पित रहे। उनके इस अवदान के लिए उनको बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें प्रमुख है भारत में दिया गया सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और इंग्लैंड में दिया गया MBE सम्मान। ईस्ट मीट्स वेस्ट अवधारणा के वे पहले सूत्रधार बने जिसमें कला की 2 संस्कृतियों का मिलन हुआ। दक्षिण अमेरिका में प्रदर्शन करने वाले वे पहले कलाकार हैं। ओडिसी और कथक का उनका किया फ्यूजन स्मरणीय है। उनका नाता बॉलीवुड से भी रहा है। सन 1971 में दास्तान फिल्म में उन्होंने काम किया। 1974 में फिल्म अनमोल बंधन में उन्होंने कोरियोग्राफी की। 1975 में फिल्म शुगर केन में उनकी केंद्रीय भूमिका रही। सन 2001 में इंडो फ्रेंच फिल्म उस्ताद जाकिर हुसैन खां के संगीत निर्देशन में प्रताप पवार जी ने काम किया। वे नृत्य के लिए, कथक के लिए देश देश में घूमते रहे। 40 साल से ज़्यादा का उनका विदेशों में अपना कथक के लिए एक सफ़र है, एक समर्पण है। वही उनका इश्क रहा, वही उनका मजहब है और रहेगा। कभी मंदिर में हो आओ, कभी मस्जिद में हो आओ, कि मकसद तो उसे पाना है जिस महफिल में हो पाओ। गुरु प्रताप पवार जी आज अपनी कथक की इस यात्रा के कुछ संस्मरण के साथ हमारे साथ आमंत्रित हैं। गुरु जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ प्रताप पवार लंदन से। बातचीत हो रही है डॉक्टर चित्रा शर्मा इन दिल्ली। सबसे पहले मैं सोचता हूँ थोड़ा सा अपने जन्म के बारे में बता दूँ क्योंकि मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। मैं एक मराठा फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे जो वॉरियर मेरे जो फोर फादर्स मेरे पूर्वज थे
वो बस चार चीज़ें जानते थे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ एक दो जगह पर ये बात महत्व रखती है मेरे जीवन में, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पूर्वज सिर्फ चार चीज़ें जानते थे, घोड़ा, तलवार, ड्रिंक और मटन, बस। अब ये आर्ट, ये कला मेरे अंदर कहाँ से आए, कैसे आए, ईश्वर जाने, पर आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं कलाकार हूँ। वो मराठा बॉर्न होने का एक दो एडवांटेजेस भी हैं, थोड़ा सा मैंने नोट किया है, बल्कि लोगों ने कहा भी है मुझे, थोड़ा सा डिफरेंट हूँ एक नॉर्मल कलाकारों से, या जो कला के परिवार में पैदा हुए उनसे। मेरा ऐसा कि जैसे एक बार कह दिया किसी से वो फिर करना ही है। दूसरी बात, जब भी मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करने का अंदर है माता है, मैंने नोट किया, और उस चैलेंज को भरपूर पूरी शक्ति से मुकाबला करके उसका फल जो भी मिले, अच्छा है पूरा, पर एफर्ट्स प्रयत्न पूरा 100% करता हूँ, छोड़ता नहीं, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ता। गुरु जी, आप और कथक, और एक इतना लंबा सफ़र कथक के साथ आपका, 40 वर्षों से तो ज़्यादा आपका विदेश का ही सफ़र है, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इस विदेश तक आपके पहुंचने की, भारत से विदेश पहुंचने की जो यात्रा है और जर्नी, वो किस तरीके से आपकी शुरू हुई, और वहाँ के जर्नी को आप हमारे साथ आप शेयर। कितने कंट्रीज में परफॉर्मेंस की हैं, बर्मा, लाओस, फिर सिक्किम, भूटान, यहाँ भी गए हैं, और अब तो फिर मैं बाहर आया हूँ। मैं कितने, मुझे अपने गुरु जी के साथ में था तो 15 साल, उसके बाद मैं आ गया हूँ बाहर 77, 78, हाँ, तो मैं जो वहाँ निकला हूँ वहाँ से गायना के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था वो, तो 1972 मैं छोड़ा है मैंने, तो फिर गया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया, वहाँ 4 साल मैंने सिखाया है, वहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट तैयार हुए, फिलिप मैक्लिंटॉक इंडिया जाके भी क्या नहीं रहा, वो अफ्रीका रीम बॉय था, बहुत बढ़िया कत्थक था, बहुत मेहनती, बहुत उसने इंडिया में नाम किया, महाराज जी ने बहुत सिखाया उसको, मुमताज अली दूसरा और मालिनी, जो मालिनी के नाम से जाने जाते थे, मालिनी शाह, वो न्यूयॉर्क में, ये सब सुनते वहाँ पर बहुत सारे ध्यान है वहाँ के। हमारे जाने पर ये माहौल था वहाँ पर कि लड़के भी लड़की हुए कपड़े पहन के हेलन के डांस पर खड़े होते थे, वो डांस करते थे, वो उनका एक वो था इंडिया से, जो मतलब इंडिया से कोई कनेक्शन था तो फिल्म, उस माहौल में हमने जाके इंडियन कल्चरल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे, पहला व्यक्ति चुना गया था, तो मैं वहाँ गया था। गुरु जी, आप अपनी जो गयाना की यात्रा है उसके बारे में कुछ आगे चर्चा करने वाले थे, क्या है? तो गयाना में हम गए, वहाँ वही माहौल था मैं जो बताया ना, कि वो फिल्म से जानते थे, इंडिया से उतने संबंध था उनका, तो क्या हुआ कि वहाँ शुरू हुआ कथक, तो इंडियन कल्चर सेंटर में बड़ा इंतजाम था, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ था, हम लोग पार्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन थे वहाँ, वहाँ तबला, सितार, गाना और कथक डांस, ये था कथक के लिए मेरा, मैं पहला व्यक्ति चुना गया था उस पूरे देश में ये, और पहला सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोला था गयाना, फिर बाद में फीजी। एक्सपेरिमेंटल थे ये, इंदिरा गांधी का आइडिया था कि ये सिखाया, मैडम इंदिरा गांधी का, कि हमें कल्चरल एड देनी चाहिए, तो मैं पहला व्यक्ति था, क्योंकि वो समय लड़कियों को नहीं भेज रहे थे,
बड़ा मुश्किल था, वो नए नए जॉब, नया सेंटर खुला था, एक्सपेरिमेंटल था, तो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब लड़कों में उस समय एजुकेटेड, अब तो बहुत एजुकेटेड आ गए हैं लड़के, उस समय बहुत कम थे, मतलब उनको मैं ही इतने में उनको आए थे, और लोग भी आए थे, पर वो मैं ही एक मिला जो एजुकेटेड भी था और डांस में भी था। मेरा नाम तो काफ़ी हो चुका था इंडिया में काफ़ी, और फॉरेन टूर बहुत कर चुका था, कोई क्रेज़ नहीं था बाहर जाने का। पर रिलेक्टेंटली मुझे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम के इनाम रहमान थे सेक्रेटरी ICCR, उनने मुझे कहा था कि देखो ये 3 साल यूँ करके निकल जाएंगे, लेकिन आप जाओगे तो ये एक्सपेरिमेंटल सेंटर है, ये बढ़ेगा और ये क्रेडिट आपको मिलेगा, और 3 साल में कोई इंडिया आपको भूलेगा नहीं, आप आ जाना वापस, फिर उसके बाद चलता रहेगा आगे। और 3 साल एंड हुए मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, 8 साल, 4 साल गायना, 4 साल ट्रिनिदाद, ट्रिनिदाद में सेंटर नहीं था, मैंने ही चलाया अपने लेवल पे, एज ए पार्ट ऑफ हाई कमीशन, कल्चर ऑफिसर हाई कमीशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर बहुत काम हुआ ट्रिनिदाद में, 4 साल वहाँ ज़्यादा काम हुआ गायना से ज़्यादा वहाँ, क्योंकि वहाँ 10 बजे तक हम करते थे, गायना में 7 बजे बंद हो जाता था, वहाँ ख़तरा होता था ज़रा बाहर निकलने का, तो स्टूडेंट लोग आते नहीं थे, 7 बजे के बाद सब चले जाते। तो ट्रिनिदाद में ज़्यादा काम हुआ कंपेरेटिवली। गायना का मैंने बताया, वाफ्रो करीबियन बॉय था फिलिप, और मुमताज़ अली, ये फिर महाराजा के पास भी गए, वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दी, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। ट्रिनिदाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटर नहीं था, अब हो गया, फिर मैंने वहाँ 4 साल किया, ऐसा शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 साल लगातार रखा है, 2-2 बार लोग गए हैं लेकिन लगातार 8 साल रखा, और ऐसी जगह जहाँ पर सेंटर था ही ट्रिनिदाद, और काम बहुत हुआ। रहमान साहब की बात सही निकली, आज मेरे ख्याल में जैसे मुझे बताया गया 70-80 कुछ सेंटर्स बने ऑल ओवर रशिया में, और कि बहुत सारी जगह में सेंटर, तो वो एक मेरा योगदान रहा, ईश्वर कृपा से मेरे काम कुछ ऐसा हुआ, बढ़त हो गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी सेंटर्स खोले, बड़ा अच्छा हुआ मेरे कितने सारे साथियों को। अब तो लड़कियाँ भी जाती हैं 3-3 साल के असाइनमेंट पर, और बहुत बढ़िया रहता है असाइनमेंट, वो सारा मकान वकान सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, बड़ा बढ़िया। अब करने के ऊपर है काम, कई लोग मौज ले लेते हैं और चले जाते हैं, कई लोग हमने तो बहुत सिंसियरली के बहुत किया है, अब वही और कर रहे हैं क्या, वो आता है उसमें भी हम कम बेशी करेंगे तो बात ठीक नहीं है ना, तो आता क्या और तो कुछ आते नहीं, वही काम आता है उसको पूरे धर्म से करते हैं, ये मेरा अपना एटीट्यूड है। तो ये बात हुई वहाँ की। उसके बाद मैं ये बताने वाली बात है कि ट्रिनिदाद में इतना काम हो चुका था, और ग्रांट मिली थी, पहली बार मैं जा रहा था, ग्रांट किसको कहते हैं, 10-12-15 हज़ार डॉलर्स की ग्रांट दी, एकदम मैं तो हैरान हो गया। मैंने भी वहाँ किया था ट्रिब्यूट टू ट्रिनिदाद, उसमें अफ्रो करीबियन और इंडियन और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न, इनका सबको मिला के त्रिवेणी नाम दिया था, और तो उस पर वहाँ के ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिनिदाद की वेस्ट इंडीज में है ट्रिनिदाद, वहाँ के जो कटपर जोसेफ थे मिनिस्टर ऑफ कल्चर, उन्होंने आके मुझे हक किया और देख के बोले कितना बढ़िया तुमने ट्रिब्यूट ट्रिनिदाद किया है, ट्रिनिदाद की कहानी बताई थी कैसा कितने 200 साल में क्या क्या हुआ और आज क्या सीन है वहाँ का, वो बहुत बढ़िया बना था वो, तो उस पर पहली बार मतलब ग्रांट का नाम मैंने सुना वहाँ के गवर्नमेंट में, तो पता अब याद नहीं, काफ़ी मैनी थाउजेंड ऑफ डॉलर्स उन्होंने दे हैड गिवन मी इज ग्रांट कि आप इसको ले जाइए, बड़ा ग्रुप था वो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में देखे, तो ऐसा हुआ बहुत काम किया हुआ गया ट्रिनिदाद में। उसके बाद यहाँ वहाँ, हाँ ये बात बड़ी बताने वाली है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एरिक विलियम, जब मैं निकल रहा था 8 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ख़त्म करके, तब मुझे ऑफर दिया गया था कि आप चले जाइए पर हम हमारे खर्चे पर वापस आइए और आप ट्रिनिदाद में आप रहिए। देखिए ये सच बात मैं बता रहा हूँ, लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, $5,000 महीना आप मेरे लिए ऑफर दिया था, राइटिंग में था, और रहने के लिए बंगला और ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम होगा, और 6 महीने तक आप मंगवाते रहिए ड्यूटी फ्री चीज़ें वहाँ रहिए, तो वो इतना बड़ा ऑफर था। और वहाँ पर एक क्लास मेरी चलती थी वीकेंड में, उसके लिए उन्होंने कहा था आपके वीकेंड में आप जो भी करें आपका है, उस वीकेंड से मेरा घर चल सकता था, और 5,000 सालों साल तक इकट्ठे बैंक में होता रहता, $5,000 की बात करें, और यहाँ वो ले के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लंदन से मैं गुजर रहा था उस वक्त,
अब यहाँ लंदन की बात शुरू करता हूँ आपसे एक दो मिनट के बाद में। हाँ तो मैं बता रहा था कि वहाँ से फिर जब वहाँ आए ना तो अब सारा सामान छोड़ के आए थे, वहाँ उन्हें मकान लेना वो भी देख लिया था हमने। तो वो बढ़िया बंगला था जिसमें रहना रहने वाले थे हम। और उसके बाद यहाँ लंदन तो हम सिर्फ रुके थे एक वीक के लिए कि यहाँ घूम ले, मैं हुआ घूम आया था लंदन तो फैमिली के लिए, मैंने सोचा कि अच्छा है। वो एक वीक आया लंदन में 1980 में। तो 1980 में आए तो भारतीय विद्या भवन साल डेढ़ साल वक्त हुआ था उनको, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था। आज भारतीय विद्या भवन आज के डेट में इस पूरे इंग्लैंड के सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इंडियन कल्चर के लिए, बहुत बढ़िया। और संस्कृत और चाहे कथक भरतनाट्यम ओडिसी सब सिखाया जाता है। तो उस वक्त बिल्कुल के पास कुछ भी नहीं था, सितार तबला गाना कुछ था। रति कार्तिकेसु करके थी, उससे कोई भरतनाट्यम ऐसा कोई शौक है, दो चार लोग सीखते थे, कोई खास था नहीं। उन लोगों ने मेरे को कहा आप चार वीक का वर्कशॉप कर लीजिए। मैंने कहा इंडिया जा रहे हैं दिवाली पे, उनके दिवाली में अभी टाइम है, आप कर लीजिए। आप उसके पहले कोई इसी जगह नहीं थी वहाँ पर, यहाँ पर इंग्लैंड में कि स्टूडेंट जाके आप तालीम ले रेगुलरली कथक की। तो डांसर्स तो आके गए, रामगोपाल जी कितने साल रहे, प्रोग्राम शो होते थे, मतलब टीचिंग भरतनाट्यम की या कथक की तालीम का कोई जगह हो जहाँ स्टूडेंट रेगुलर जाके सीखें ऐसा कोई नहीं था। तो भवन का ये रहा था कि वो करें, तो चार वीक के वर्कशॉप के लिए मैंने हाँ कर लिया। तो वो पहले दिन उनके पास 40 स्टूडेंट्स आ गए थे, वो बहुत खुश हो गए, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और जब मैंने सिखाना शुरू किया तो वो लोग देखते रहे, बहुत वो बड़े इंप्रेस हुए कि तो बहुत बढ़िया सिखाया जा रहा है और ये सब इंटरेस्ट इतना ले रहे। तो उन्होंने मुझ पर काम करना शुरू किया। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये कितने लोग ये सेक्रीफाइस कर सकते हैं मैं जानना चाहूँगा, क्या इस मुल्क में आने के लिए मैंने और कथक के लिए क्या सेक्रीफाइस किया। मथुर कृष्णमूर्ति थे, नंद कुमार उनके दामाद आज वो डायरेक्टर हैं, वो मौजूद हैं, इस बात को लोग कंफर्म कर सकते हैं इस बात को उनसे। तो मैंने उन्होंने मुझे मेरे ऊपर बातचीत करना शुरू की कि आप तो बहुत सच सिखा रहे हैं, कि हाँ ठीक है पर मेरे को त्रिनिदाद वापस जाना। तो फिर मुझे बोले आप यहीं क्यों नहीं आते, इंडिया आप जा रहे हैं, आप दिवाली करके आ जाइए, हम आपका किराया दे देंगे वापस आने। तो मैंने वो काम इनके मेरे पास हाथ में कॉन्ट्रैक्ट, मुझे वापस त्रिनिदाद जाना है दिवाली करके, मैं वहाँ जाऊँगा, आपके यहाँ चार वीक रुक गया हूँ अभी अगस्त में, तो उसके बाद मैं चला हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ रुक जाइए, बहुत मेरे को जोड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, वो खोल के उनके सामने रख दिया, उनके देखिए ऑफर मेरा। उन्होंने जो देखा, आज मुझे याद है मथुर जैसे बोलते बल्ले बल्ले, ऐसे साउथ इंडियन बोलते बल्ले बल्ले, ये तो कभी भवन कभी नहीं कर सकता ये। उसने देखा कि $5,000 तनख्वाह है बंगला रहने के लिए, भवन सोच भी नहीं सकता। तो साल डेढ़ साल पुराने थे, मैंने अभी आपको बताया ना, 8-10 स्टूडेंट से शुरुआत थी। तो बहुत सोचा मैंने, और मेरा बड़ा बड़ा मुश्किल वो था, वो डिफ़िकल्ट डिसीजन। फिर मैंने लेकिन बहुत कुछ सोच के, एक चीज़ और क्या हुआ, मैंने देखा एयर इंडिया का, इंडिया में मेरी जान बसी रहती थी, ट्रिनिदाद से बहुत दूर पड़ता था, यहाँ से देखा 300 रुपये में आप पैसे काफ़ी मैंने कमा लिए थे, तब तक काफ़ी वेल ऑफ था। मुझे लगा मैं तो हर महीने इंडिया आ सकता हूँ, इंडिया के लिए हमेशा जान वहाँ रहती, वो एक अट्रैक्शन था। बहुत कुछ सोचने के इवेंचुअली कमिंग टू द पॉइंट मैंने तय कर लिया। ट्रिनिदाद फ़ोन करके उनको मैंने ज़रूर बोला, ये नहीं बताया कि मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं, तो हंसते कि बेवकूफ़ है। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर मुझे ऑफ़र मिल रहा है, तो आप क्या कहते हैं मैं ट्रिनिदाद ने अगर ना हो तो उन्होंने कहा नहीं आवर बेस्ट विशेज विद यू, वो इंग्लैंड इज़ ए बिग कंट्री, इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आवर बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, वेन एवर यू वॉन्ट टू कम वी विल वेलकम यू। तो मैंने बहुत सोचने के बाद फिर मथुर जी को हाँ कर दी। और फिर उसमें अब आपको हैरानी होगी कि जब मुझे उनका यहाँ क्या मिला है जॉब में, मुझे £418 आफ्टर टेकिंग द टैक्स आउट, इनकम टैक्स निकाल के मेरे हाथ में सिर्फ £418 एक महीने के, कहाँ $5,000 महीना और बंगला, वो छोड़ के मैं इस कंट्री में आया हूँ इंग्लैंड में। और ये बात बहुतों को मालूम है, इट्स ऑन रिकॉर्ड,
तो मैंने सोचा कोई बात नहीं सेक्रीफाई, यहाँ मुझे लगा, और वो ट्रिनिदाद वाले भी बोले कि इट इज़ ए बिग कंट्री एंड मे बी इट्स गुड फॉर यू। और मैंने भी ये सोचा बहुत कि ट्रिनिदाद में क्या है, मैं पैसे जमा होते रहेंगे बैंक में, अब इतने से कंट्री में कितना, 4 साल तो मैं सिखा चुका हूँ, इतना काम कर चुका हूँ, और क्या करूँगा वहाँ, ये कंट्री बड़ा है, चैलेंज है यहाँ पर। तो वो सोच के कि कथक का मुझे ये मिलेगा श्रेय, ये मेरे कथक को इतनी बड़ी कंट्रीज़ में, इंग्लैंड को जिसने हमारे भारत पे राज किया, वहाँ पर हम कथक का राज बनाएंगे, ये भावना जब आई मैंने तो सोच लिया कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो वो शुरुआत हुई, तब से उनके साथ भारतीय में 4 साल रहा। 4 साल के बाद फिर मैं तो और कंटिन्यू करता, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक साइमन डॉ करके आ गए थे अंग्रेज, उनने ज़रा ये मिशिफ कर दी, कि इनको मेरा तो हर दिन नहीं जाना पड़ता था, तो उन्हें एक कंडीशन रख दी कि वीकेंड में भी सिखाना पड़ता है। और मेरा आलम यह था इंग्लैंड में कि हर वीकेंड मेरा परफॉर्मेंस हो रहा है, सैटरडे संडे लगातार पूरा टूर होता था। तो मैंने कहा परफॉर्मेंस मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर उस बात पर फिर बात नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने उनके हाथ जोड़ लिए, फिर अपना खुद कम नहीं। हाँ, उसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ तब तक एक तारा राज को मैंने शुरू किया हुआ था एकेडमी, एकेडमी ऑफ इंडियन डांस, तो उसमें तारा जा रही थी, उन्होंने कहा इसमें आप आ जाइए इसमें क्या। और वहाँ एक बहुत से कैनेडियन कपल थे, जॉन एशफर्ड, तो जॉन डायरेक्टर था उसका, उसकी वाइफ भी थी उसका, तो उसने मुझे एकेडमी मैंने फिर करीब 11 साल काम किया। फिर साथ साथ मैंने अपनी कंपनी खोल दी थी, प्रताप पवार त्रिवेणी डांस कंपनी, उसके उसमें बहुत सारे ग्रांट्स यहाँ से मिली हैं। गुरुजी, जैसे आपने अभी जिक्र किया त्रिवेणी प्रताप पवार संस्था, आपने एक अपने लंदन में मतलब जो आपने बनाई, तो उसके माध्यम से आपने अपनी एक जो हमारी की संस्कृति के रूप में, आप एक संस्कृति दूत के रूप में आप विदेशों में और सालों से काम कर रहे हैं, तो उसको आपने किस तरीके से वहाँ कायम रखा और वहाँ किस तरीके से आपने अपने शिष्यों को तैयार किया और उनके अंदर एक एक जो भावना गुरु शिष्य परंपरा की, वो किस तरीके से आपने उसको एक सामंजस्य और मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, तो फिर यहाँ त्रिवेणी प्रताप पवार त्रिवेणी डांस हमारी कंपनी है, यहाँ बहुत ग्रांट मिले, मैं तो हैरान था, इतनी सारी ग्रांट्स मिली हुए, 50,000 पाउंड तक के ग्रांट्स में मुझे यहाँ की सरकार ने दी, मुझे बहुत बड़ी पाक लगती है। एक बार प्लेन में सीताराम केसरी थे, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं इंडिया के, तो वो फ्लाइट में थे, उन्होंने कहा तुम क्या करते हो वहाँ पर, अभी भी डांस कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, बहुत साल पुरानी बात है। तो बोले वहाँ इंग्लैंड में क्या क्या कैसे होता है तुम्हारा? मैंने कहा वहाँ की वहाँ तो ग्रांट मिलती। तो बोले अच्छा, अरे भारत सरकार तुमको ग्रांट देती है? मैंने कहा नहीं, भारत सरकार क्या ग्रांट देगी मुझे, वहाँ की इंग्लैंड की जो आर्ट काउंसिल है। तो हैरान हो गए थे, अरे बोले तुमको डांस करने के लिए, डांस सिखाने के लिए ग्रांट्स मिलते हैं? मैंने कहा हाँ, और 1,000 पाउंड में मिलती है वो। तो मैंने कहा काम भी बहुत दिखाना पड़ता है वहाँ, तब कन्विंस हैं वो लोग, बहुत बहुत रिस्पॉन्स, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है आप। फिर यहाँ बहुत सारा काम किया, बहुत काम किया, 3-3 पीढ़ियाँ हो गई हैं, 40 साल हो गए यहाँ पर। 1980 में आया था मैं, 20 चल रहा, तो 40 साल हो गए यहाँ पर। अब इस 40 सालों में बताइए, 3-3 पीढ़ियों को मैंने सिखाया है, अपनी कंपनी बनी है, कितनी स्कॉटलैंड में मैंने सिखाया है, बहुत सिखाया स्कॉटलैंड में, बहुत सारे वहाँ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई है और कंटिन्यू है वहाँ पर। वहाँ मैं नहीं जा पाया, मुझे मतलब एक ही जगह कर सकता हूँ, और स्कॉटलैंड के बजाय मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ठीक है। ओके, स्कॉटलैंड में मैंने हर महीने 4 दिन के लिए जाता था, कितने साल तक मैं गया, और नॉर्वे में बहुत काम किया है, वहाँ पर कथक के बीज बोए मैंने, चल रहा है, बहुत ग्रांट मिल रही है वहाँ पर। यहाँ पर मेरे शागिर्द अकरम खान 12 साल का था, तब मैंने गंडा बांधा था, अपने जीवन में मैंने गंडा एक ही बार बांधा, तो वो अब उसने 3 साल कंटिन्यू भी किया। और कथक को वो ऐसा कमाल का कथक है उसका, बहुत तैयार, बहुत उसकी कंपनी इतनी बड़ी है, मैं क्या आपको बताऊँ, वो आज मतलब ये जो कोविड की वजह से जो कैंसिल हुए प्रोग्राम सभी के हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, उसके 150 शोज डिफरेंट कंट्रीज में, इस लेवल पे काम हो रहा है।
उसको फ्रांस से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब जगह से ग्रांट मिलती है। और ये आर्टिस्टिक डायरेक्टर यहाँ के सबसे बड़े थिएटर का। तो अकरम खान है मेरा एक ही को गंडा बांधा सिंधी ने, अकरम खान। और दूसरा शिष्य मेरा बलबीर सिंह, वो बलबीर सिंह डांस कंपनी चला रहा है, वो नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, उस तरफ उसका सारा एरिया है, पर करता है इंग्लैंड में, बाहर भी। उसको भी मिलियंस में मिलती है ग्रांट यहाँ के गवर्नमेंट से, उसमें मेरा हाथ रहता है काफ़ी। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जाए, वो हमेशा गुरु जी आप ही कर दीजिए, गुरु जी मेरा उसमें योगदान है काफ़ी। और मेरी मेन स्टूडेंट, उसकी मेन फीमेल डांसर जो उसमें काम करती है, मेरी मेन स्टूडेंट है अभिरामी अय्यर, साउथ इंडियन है, बहुत बढ़िया कथक करती है वो है। तो ये है, बाकी इसके अलावा भी यहाँ पर और सबसे बढ़िया बात है ISTD, ये यहाँ पर एक 100 साल से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ डांस के एग्जामिनेशन होते हैं, पर बैले के और उनके वेस्टर्न डांसेस के ज़्यादा होते थे। हम लोगों ने लड़ झगड़ के एंट्री ली है उसमें, तो कथक और भरतनाट्यम रिकॉग्नाइज किया है उसमें, उसकी कमेटी है और हमारे फैकल्टीज हैं। बहुत तगड़ा कोर्स है उसका ISTD का, मतलब टीना तांबे मुंबई की मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत नाम है इंडिया में, अच्छा काम करी, उसको मेरे से भी सीखी हो, वो आई थी तो उसने देख के 2 ग्रेड तक देखा, रख दिया कोर्स। मैंने कहा क्या हुआ, बोले ये तो फार कठिन है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ पर ये मुश्किल ही है, एग्ज़ाम लेना भी बहुत मुश्किल है, इतने अंग्रेज़ों का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्टिस्टिक में वो इंटरफेयर नहीं करते। हम लोगों के ग्रुप से कथक ग्रुप है, फैकल्टी है, कथक फैकल्टी भरतनाट्यम, वो लोग हम लोग तय करते हैं सारे आर्टिस्टिक वो चीज़ें सब लोग, हम लोग कोर्स वगैरह सब हम लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग करते हैं, एग्जामिनेशन वो ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम लोग को भेजते हैं वो लोग कहाँ कहाँ, मैं अमेरिका आया हूँ, दुबई हुआ आया हूँ, इंडिया भी गया हूँ, और इंग्लैंड में अलग अलग जगह पर गया हूँ। ऐसे हम 3 एग्जामिनर सीनियर और 2 या 3 जूनियर हैं, तो मैं एक ही मेल एग्जामिनर हूँ वहाँ पर। तो ये इंडिया में तक यहाँ से आते हैं, इंडिया वाले एग्ज़ाम्स के मुकाबले में ये कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड एग्जामिनेशन होते हैं। तो आज कथक इतना बढ़ चुका है। एक छोटा सा चुटकुला मैं बता दूँ कि कथक पॉपुलर कितना हो गया, आप देखिए। एक बार मैं ना ये कुर्ता पजामा और शॉल ओढ़े एक टैक्सी से गया था, टैक्सी वाला ड्राइवर अंग्रेज़ था, तो उससे मुझे शीशे में देखते जा रहा था, मुझसे पूछा रास्ते में व्हाट डू यू डू, तो मैंने उससे कहा आई एम क्लासिकल इंडियन डांसर, तो क्या बोला है पता है, आप सोच भी नहीं सकते, मुझे बोला डू यू डू कथक, मैं एकदम चौंक गया, मैंने ओ यू नो कथक, बोले यस आई नो कथक, इज फास्ट फुटवर्क, स्पिन्स वेरी गुड, आई लव इट। मैं इतना खुश हो गया सुनकर कि कथक आज जब मैं आया था तब कोई नाम निशान नहीं था, और आज एक अंग्रेज टैक्सी ड्राइवर मुझसे कह रहा है उसको कथक बहुत अच्छा लगता है, कि उसमें फास्ट फूडों को चेक कर सकता। गुरु जी आपको सौभाग्य प्राप्त है पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के सर्वप्रथम गंडाबंद शागिर्द होने का, और गुरु शिष्य परंपरा पर आपका एक भरोसा और विश्वास भी बहुत है, क्योंकि आपने उसी परिवेश में अपनी शिक्षा दीक्षा ली। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि महाराज जी और आपके उम्र में तो बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं था, तो उनके साथ का आपका रिश्ता और उनके साथ के कुछ आपके संस्मरण, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी आप कह रहे थे कि वो एक बोल रहा गुरु शिष्य परंपरा, मैं बहुत विश्वास करता हूँ उसमें, और ये गंडाबंद शागिर्द का क्या महत्व होता है मैंने बताया आपको, और मुझे ये समझाया गया, मुझे वो लॉजिक बड़ा समझ में आता है, कि जैसे आप किसी को दत्तक पुत्र बनाते हैं ना, किसी को अडॉप्ट करते हैं कोर्ट में जाके, तो फिर आपकी जो मिल्कियत है, आपकी जायदाद है, आपके पास जो रुपया पैसा है, जो भी कुछ आपका है, वो उसको फिर ऑटोमेटिकली आपके बाद में उसका वो मालिक बनता है, चाहे वो किसी और का बच्चा हो, लेकिन आपने उसको अडॉप्ट किया है, दत्तक पुत्र बनाया है। ये लाइफ की जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वही मेरे हिसाब से ये
जिस दिन गुरु गंडा बांधते हैं तो उस दिन वो एक तरीके से इस बात का प्रण करते हैं और वचन देते हैं, शिष्य भी अपना वचन देता है कि मैं आजीवन आपके चरणों में नमन करता रहूँगा और जो आप देंगे उसको संभालूँगा। और गुरु एक विश्वास के साथ दिलाता है कि मेरे पास जो भी है वो मैं तुम्हें दूंगा। ये उसके पीछे लॉजिक है, बहुत बहुत लॉजिकल बात है। इस मैं समझता हूँ ये सबसे बढ़िया परिभाषा है गंडापन शिष्य होने की। फिर शिष्यों को भी बहुत बड़ा उनका कर्तव्य होता है। फिर एक बार गंडापन शिष्य जिसको गुरु मान लिया फिर बस उस पर रही। एक बार हुआ था उनका बेटा जयकिशन, मैंने एक ताते वो धन धन नकदा तुम नकद दिन धातु दिन धातु ताते तत्ते ओ मैंने तीसरे जाति का धा दिन ना धा तुन ना धा ऐसा ख़त्म होता था वो। तो बोला अरे भैया ये तो हमने सुना नहीं, ये किसे किसे सीखे आप? तो मैं उससे बोला था अरे बेटुआ हम एक तिहाई भी और किसी जो सीखे तुम्हारे बाप से सीखे हैं, एक तिहाई भी किसी और से नहीं सीखे हम, एकदम ऊँचा हो गया। तो बोला अच्छा भैया पर हमको तो उन्होंने सिखाया नहीं यार। तो मैंने कहा जब सब तुमको ही सिखा देंगे, अभी तो और सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने हमें सिखाया है, तो तुम्हें हमसे सीख लेना तुम चाहो सब। तो खैर मैंने उससे बोला बेगम तो एक तिहाई भी किसी और से। तो ये मैं सोचता हूँ कि फिर जब गंडा बदवा रहे तो फिर जो भी उनके पास वो दे रहे हाँ उनके आज्ञा हो, अगर वो भेजें तुम्हें कहाँ जाओ उनसे सीखो तो फिर आप आपके ऊपर है। तो मैंने नहीं बड़े बड़े ठीक है ये रहा वो बात। अब आपने कहा वो घूम फिर के महाराज जी की बात आती है उनके कई संस्मरण, एक दो बातें बता दो जल्दी से उनकी। तो कुछ अजीब आदतें उनकी शायद ये वर्ड उनके मुंह पे चढ़ा रहता है। कल बॉम्बे जा रहे हैं आप? हाँ शायद जा रहे हैं। आप प्लेन से जाएंगे या तो ट्रेन से? शायद ट्रेन से चले जाएँ शायद ट्रेन से। वो कितनी बार उनको बोलता महाराज जी आप इतना लय ताल ये तो ऐसा जैसे पानी भरते हैं आपके, और इसमें ये ऐसे रोज़मर्रा की बातचीत में आप सम पे आते ही नहीं कभी, हमेशा ही चक्कर ही लगता रहता है शायद शायद। एक बार क्या हुआ कलकत्ता में उनकी इजाज़त हो रही, एक ही काम एक से ज़्यादा लोग कहेंगे। मैं नया नया था कलकत्ता में, परफॉर्मेंस था सबका, बैले था डांस ड्रामा शाने वक्त महाजाति सदन कलकत्ता में। तो वहाँ एक जगह रिहर्सल हो रही थी, ठीक से इंजाम नहीं थे कुछ। उन्होंने कहा कि मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, तू ला देगा? मैंने कहा मिला। इधर से तरफ थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि कोई बहुत अच्छा इंजाम नहीं था वहाँ पर। मैं लेके आया गिलास घर के, मैं देख रहा हूँ वहाँ पानी पी रहे, किसी और से मांग लेता था। मैंने उनके सामने ऐसा उनको दिखाया और ऐसा फेंक दिया और बिल्कुल ऐसा मुँह करके खड़ा हो गया। बोले भाई क्या होगा तुझे? मैंने कहा आपको भरोसा नहीं था क्या मैं आपके लिए पानी लाऊँगा? आपने किसी से मंगवा लिया ना, तो मैंने फेंक दिया। बोले हंस दी, बोले अबे अरे थोड़ी शांति रखा कर, ऐसा क्या कर रहा है? मैंने कहा नहीं मुझे बहुत दुख हुआ आपको लगा मैंने। बोले ऐसा नहीं है पर ज़रा ठंडा रहा कर। खैर ये बात बता दी, कई सारी बातें वो हो गई। अब ये है कि उनका जो अब गुरुजी के अलावा उनका क्या मैंने किया ये बता रहा हूँ आपको। 15 साल उनके साथ में रहा, 3 महीने मैंने अमेरिका का टूर किया था जिसमें महाराज जी मैं तीर्थम 3 मेल डांसर से उमा शर्मा भारती गुप्ता रश्मि वाजपेयी ये 3 लड़कियाँ और नैना देवी मणिका प्रसाद और मोहम्मद जान 3 म्यूजिशियन और अमजद अली खान और उस्ताद अमजद अली खान पद्म भूषण है। और वो उस समय अपकमिंग थे, यंग थे, वह बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हम दोनों। तो वो सरोद के लिए आए, उनको 7 मिनट का एक सोलो दिया गया था, बाकी 3 महीने का टूर था हमारा। थक गए थे एकदम, सफ़ेद हो गई थी शक्लें। 3 घंटे का प्रोग्राम होता था हर जगह। वो पहला कमर्शियल टूर हुआ था तो भारतीय कला केंद्र को पैसा आया था बहुत, तो वो कमर्शियल टूर था। तो अमजद भाई उसमें मतलब पहली बार डांस के साथ बजाए भी और सोलो भी 7 मिनट का उनको मिलता था। बहुत अच्छा टूर रहा, 3 महीने का करीब 30 स्टेट्स हमने की थी। एड सेलिवन का एक बड़ा मशहूर शो होता है वो, जब हमें वो था 3 मिनट 3.5 मिनट का आइटम था हम लोगों का, उसके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे थे हमें समझ आ रहा था क्या है ऐसा। और बाद में आज तक लोग याद करते हैं, किसी टेलीविजन वाले को हम बोलते हैं कि हम एड सेलवन के इसमें प्रोग्राम किए तो हैरान होकर पूछते हैं हमसे अच्छा आपने, और वहीं देख लिया था अमेरिका में हमने कि उस करने के बाद में जिस शहर में हम जा रहे हैं लोग हमारे होटल के बाहर खड़े रहते थे कि हमने इनको देखना है।
वो शो इतना मशहूर होता था 8-11 का वहाँ पर कि पूरा अमेरिका सारे और भी चैनल होते बंद करके सिर्फ उसका प्रोग्राम है उसमें हुआ था हम लोगों का 3.5 मिनट एक आइटम सबका ग्रुप का इस अमेरिका की याद। आप लखनऊ घराने के स्थापित नर्तक और गुरु हैं तो लखनऊ के अलावा भी और भी घराने हैं जो दृश्य में हैं और जिन्होंने कथक को समृद्ध किया है तो उन घरानों के विषय में आपकी क्या दृष्टि है? अब यहाँ वो घराने की बात आ रही थी ना आपने घराने के बारे में कुछ जिक्र किया अभी तक तुम्हें लंदन के बारे में बताया क्या कुछ हो रहा है आपने देख लिया। अब घराने में मेरे अपने विचार हैं। अब कई हमारे मतलब घराना मेन तो ज़्यादा बात आती है लखनऊ और जयपुर की उसके अलावा बनारस घराना भी बनारस घराने के मामले में लखनऊ और जयपुर के मामले बारे में लोगों को काफ़ी मालूम है। बनारस और रायगढ़ भी बड़ा क्लियर है उनका रायगढ़ के महाराज ने सारे गुरुओं को जयपुर के भी और लखनऊ के भी बुला के फिर उन्होंने अपने कुछ या उस जमाने में के वो यंग उनके बॉयज़ थे कल्याण जी कार्तिक जी इनको उनको उनको सिखवाया उन्होंने वो महाराज चक्रधर खुद भी विद्वान थे तो उन्होंने बहुत सारे उन्हें कवित्व बहुत लिखे हैं तो वो एक रायगढ़ घराने की विशेषता है। बनारस घराने में कन्फ्यूजन चल रहा है इन दिनों और मैं गवाह हूँ उस बात का इसलिए मैं ये बात आज बोल रहा हूँ। बनारस घराना रहा है जो महाराज कृष्ण कुमार से के नाम से जानते थे जो अब नहीं रहे उनके नाती जो दो बेटे हैं उनके बम्बई से वो मेरा भी इंटरव्यू उन लोगों ने किया है उनके उनके ग्रैंड उनका बेटा अशोक तो वो वासु और वैभव ग्रैंड चिल्ड्रन और वो थे वो जानकी प्रसाद घराना कहलाता है सुदर्शन धीर ने भी शायद वो सीखा हुआ था और ये जो हजारीलाल जी की पत्नी है ना सुनैना हजारीलाल वो करती हैं और जितेंद्र महाराज जो कहलाते हैं मेरे मित्र रहे हैं जितेंद्र हम दोनों मित्र थे बहुत अच्छे वो कृष्ण कुमार जी सीखे हैं मतलब बराज घराना तो नलिनी कमलनी दो नाम बहुत महत्व के आज की तारीख में ये दोनों बहनें कमाल का काम कर रही हैं इन्होंने तो इन ये लोग बनारस घराना जो करते हैं ना वो मुझे पता है और इसको ये हनुमान प्रसाद जी का घराना भी बोलते हैं। अब क्या हुआ है कि सितारा दीदी की बेटी और उनके जो घर के बच्चे हैं वो लोग ये कहना शुरू कर रहे हैं कि हम तो बनारस के तो हमारा बनारस घराना है। इस बारे में एक अजीब बात आपको मैं बता रहा हूँ अब वो नहीं रहे लेकिन बात सच है और मैं हमेशा सच बोलता हूँ और मेरे फील्ड के सारे लोग मेरी आदत जानते हैं और ये जानते हैं सब लोग कि गोपी भाई गोपी कृष्ण की मेरी बहुत अच्छी मैत्री थी बड़े सिंसियर फ्रेंड थे मेरे उनने मुझे बताया था ये कि एक बार उनका नाम हो गया जनरल पाल भाजी में बहुत खुश थे वो कि बहुत मेहनत करी थी उन्होंने कमाल का काम जनरल पायल भाजी उनको ये श्रेय मैं हमेशा देता हूँ कि जनक पायल भाजी जो है वो उसने भारत के आम आदमी को दिखा दिया कि कथक डांस कर ये होता है। उसके बाद उनको लगा ओके मुझे उसमें तो काफ़ी फिल्म की वजह से उन्होंने कहा भले जो किया था कमाल किया था पर उनको लगा कि मैं और भी शास्त्रों के ढंग से थोड़ा सीखूं तो वो लक्ष्मी महाराज जी के पास गए थे ये उन्होंने मुझे बताया। अब मैं न बड़े महाराज जी के लिए कुछ कह रहा हूँ मैं तो सिर्फ बता दे रहा हूँ जो हुआ तो वो उन्होंने कहा मैं बड़े आशा से उनके पास गया था मुझे लगा मैं और उनका स्टाइल वगैरह सीखूँ थोड़ा कत्थक और सीख लूँ देखिए इतना नाम कमाने के बाद मैं तारीफ करता हूँ उनकी तो वो फिर मुझे बोले कि उन्होंने क्या किया मेरे को ग्रुप में खड़ा कर दिया मुझे उम्मीद थी कि मुझे अलग से सिखाएंगे मैंने काफ़ी कोशिश की फिर बोले मैं मुझे लगा कि उनको ये नहीं लगा कि देखो ये इतना नाम करके मेरे पास सीखने के लिए आया है जिसको थोड़ा अलग से वक्त दूँ इसको ये क्या चाहता है वो सिखाऊँ ये मुझे नहीं मिला तो मेरा मन बड़ा खट्टा हो गया तो मैंने जाओ और बोले उस वक्त बोले मैंने गुस्से में आके ही बोला था कि अब मैं भी कहा कोई लखनऊ घराना करूँ अब मैंने भी इतना नाम कर दिया मैं बनारस का हूँ मेरे नाना से मैंने सीखा है लखनऊ शोमराज जी वगैरह सीखा है पर सारा काम हम बनारस का कर रहे हैं बनारस के तो हम तो अपने आप को बनारस घराना कहें तो उनकी जिद के मारे चर्चा हुई थी अब उस और इसका मैं साक्षी हूँ ये बात है 61 के जनवरी पहले सप्ताह की मैं नया था मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था आधे घंटे का बनारस ब्रज महाराज जी के साथ मैं गुरु जी के साथ उनके घर गया था
सुखदेव महाराज जी ने, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके बहुत देन हैं, उन्होंने यह मुझे अपने बच्चों को बुलाया, महाराज जी का अंगूठा परात में रखा और धोया उसको पानी से, और वो एक चरणामृत जैसे सब बच्चों को बांट दिया। मैंने पूछा उनसे, बाबा क्या क्या था? बोले बेटा ये हमारे खलीफा हैं, हम इनके दादाजी से सीखे हैं ना, तो ये हमारे घर में आए हैं, तो ये हमारे खलीफा हैं, इसके लिए इनके पैर का ये चरणामृत हमारे बच्चों को आशीर्वाद के रूप में दिला रहा हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात है, वो खुद अपने इतने बड़े विद्वान हैं, उन्हें अपनी बेटियों को सितार दीदी, गलखनंदा दीदी, तारा जी, सितार दीदी ने नचिल काम किया और चौबे महाराज और उनके बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये हुआ बात, मेरे मतलब ये कि सितार दीदी वगैरह सब लखनऊ घराना से ही सीखी हैं, चौबे महाराज जी को महाराज लगा है, अच्छन महाराज जी मेरे गुरु जी के पिताजी, उनने उनके लड़का नहीं हुआ तो महाराज जी मेरे गुरु जी जो है ना तीन लड़कियों के बाद पैदा हुए, तो उनको लगा था लड़का नहीं होगा तो इनको गोद लेके कह दिया था कि तुम महाराज कहलाओगे। तो चौबे महाराज सितार देवी बहुत सीखे हैं शंभू महाराज जी से, लक्ष्मी महाराज जी से, दोनों से। तो सितार देवी तो शेष अपना डगम हो गया, कई मुझे बताया था कि उनसे सीखे हैं वो, उनका तो जवाब नहीं, इन लोगों का क्या बात करूँ, के लिए तो अलग से कभी मैं कभी इंडिया हूँ ना तब मेरा करना बहुत लंबा इंटरव्यू है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में कर रहा हूँ, वक्त अच्छा नहीं चल रहा। गुरुजी आपका बॉलीवुड से भी एक नाता रहा है, बॉलीवुड के लोगों से भी संबंध रहा, तो एक बीच का एक ऐसा दौर था कि जबकि जब फिल्मों में एक पुरुष नर्तक की छवि बहुत हास्यास्पद बताई गई, जब भी एक पुरुष नर्तक उसमें आता था, एक नर्तक बतौर आता था, तो वो कुछ एक अलग अंदाज में उसको दिखाते थे, और तो उसका आपके अपने खुद के एक व्यक्तिगत जीवन पे कितना असर हुआ, और उस बारे में वो क्या आपको बहुत न्याय संगत लगता है फिल्मों में इस तरीके की छवि को दर्शाना? आगे चले, आपने फिल्म की बात की है, हाँ फिल्म में एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने देखा था कुछ फिल्में मैंने नहीं देखी थी, वो बड़ी गलत बात थी और मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, मतलब डांसर्स को, मेल डांसर्स को कुछ इस एफिमिनेट ढंग से जो भी डांस सिखाने वाले को दिखाएंगे वो इस ढंग से करते थे एफिमिनेट जैसे, मतलब वो आप मैं क्या बोलूँ, मतलब और इस ढंग से प्रेजेंट किया जैसे वो किसी और मर्द नहीं है, वो कुछ और हैं। मामला आजकल तो उल्टा है, जितने मेल डांसर्स हैं उनके पास है, कितनी लड़कियां आते हैं, तो सब लोग बड़े कॉन्शियस रहते हैं, और कई उनके साथ स्टोरीज भी जुड़ती हैं, कुछ हैं भी इस, तो वो बात लेकिन बहुत गलत फिल्म वालों की, उनको मालूम होना चाहिए सारे मेल डांसर्स के कोई डिफरेंट का इंसान कोई भी हो सकता है, डांसर्स पे क्यों उठा रहे हैं? डांस तो डांस भगवान शिव ने किया है, कृष्ण ने किया है, अर्जुन ने किया है, ये तो वो परंपरा है। और कमाल, अरे हमारे गुरु ने कहा शंभू महाराज जी के पीछे तो रानियाँ पड़ती थी, भागना पड़ता था जरूर जरूर, उनका आँख से देख लिया कि सफेदा, तो ये कोई बात नहीं, वो गलत था। लेकिन अच्छा हमारी बात इस पर कि तो ये तो मैंने अपना टिप्पणी दे दी कि फिल्मों ने जो बीच में कुछ किया था, डांसर्स को गलत ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया। झंगजन पायल बाजी कितनी बढ़िया पिक्चर है, उसमें देखना हो बहुत अच्छी, सही वो सही किस्से, तो वो मैंने बता दिया आपको। जहाँ तक मेरे फिल्म का संबंध है, एक लता जी दीदी ने मुझे बताया था कि सब हर बात का योग होता है, वो योग नहीं होगा तो नहीं बात होगी, वो मेरे साथ फिल्म के साथ है। देखिए वी शांताराम जी बहुत बड़ा नाम है, आशा जी आशा भोसले, या आशा भोसले लता मंगेशकर, ये सब हमारे मेरे रिलेटिव हैं थ्रू मैरिज, मेरी बहन की और उनकी मौसी की दोनों भाइयों से शादी हुई, और मेरे जीजा जी ने उनके जब के वक्त था फादर नहीं रहे थे दीनानाथ मंगेशकर, तो मेरे जीजा जी का बहुत बड़ा हाथ था उनको, अब रिश्ता है वो उनके काका लगते हैं। तो फिर दीदी का सब हमारा माई का मेरे ऊपर बहुत प्यार रहा, और आशा जी का मेरा तो करीब 55 साल हो गए, हमने बहुत साथ में भी काम किया, मेरी शादी मेरे दो मेरी बेटी की भी नाम रखा उन्होंने, मेरे नाती का भी नाम रखा, तो वो हमारा और हमने साथ में काम किया, आशा जी ने मैंने उनका गाना, मेरा डांस, मेरे लड़कियों का कोरस बहुत काम किया उस, उन्होंने मुझे बुलाया था वी शांताराम जी से, वी शांताराम जी ने मुझे चुन लिया था, मैंने डांस देखा वो देखा कमिट नहीं गया था, फिर देखने के बाद
जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली वियोग के बाद देखिए, उन्हें गोपी भाई को तो 500 रुपये देते थे, मुझे उन्होंने कहा था 1000 रुपये मैंने देंगे और कमरा देंगे रहने के लिए, और नृत्य बिन बिजली, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, संध्या उसमें थी हीरोइन, मेरे को बड़ा इम्पोर्टेंट रोल दिया था उन्होंने, बहुत 2 घंटे तक मैंने डांस सीखा था और उन्होंने पक्का कर दिया, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या इत्तेफाक है, मैं वापस जब दिल्ली आया, माँ के गले में कैंसर था, मतलब हमें नहीं पता था, बता दिया लेकिन डॉक्टर ने है, और 6 महीने का वक्त दिया था, फिर मैंने बहुत, मेरे लिए धर्म संकट था कि माँ का मुँह नहीं देख पाऊँगा मैं लास्ट में, तो क्या होगा, कुछ दूर कैसे आऊँ, उसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हालांकि गोपी भाई ने मुझे बहुत लताड़ा इस बात पर कि तुमको करना चाहिए था, मैं कैसे करता, मन नहीं माना, नहीं कर पाया। वो एक गाय बी आर चोपड़ा की, इसमें मैंने दास्तान में किया है, मैं गया था ये सोच के क्लासिकल डांस करना है, लेकिन चैलेंज वो आया, उस शॉर्ट में बताता हूँ, गोपी भाई ने किया था, गोपी कृष्ण ने उसको मुझे बुलाया था उन्होंने, और बी आर चोपड़ा की फिल्म थी दास्तान, उसमें पद्मा खन्ना मैं और प्रवीण कुमार करके हमने, मैं दिलीप कुमार का कैरेक्टर कर रहा था, पद्मा खन्ना बिंदु का कैरेक्टर कर रही थी, वो प्रवीण प्रेम चोपड़ा का, पूरा डांस ड्रामा था, शर्मिला टैगोर अनाउंस करती हैं और दिलीप कुमार खड़े हैं विंग में, वो अपने अनफेथफुल वाइफ को दिखा रहे थे कि उसने उनके साथ क्या किया, उसकी दास्तान वो मैंने किया है। बी आर चोपड़ा साहब का एक चीज़ वो बहुत चाह रहे थे मुझे महाभारत में, मैं जा रहा था, वो मिले कब, जब महाभारत रिलीज हुई लंदन एयरपोर्ट पे, मैंने उनसे, वो मुझे बोले अरे मैं तुम्हें इतना ढूंढ रहा था, तुम्हारा दास्तान के टाइम पे तुम्हारा एक फ़ोटो था मेरे पास, तो मैंने कहा इसका क्लासिकल फेस है, इसको अच्छा रोल देंगे महाभारत में, मैंने कहा मुझे रुलाई है मत, बोले क्या हुआ, मैंने कहा मैं इतना सोचता था कि आई विश कि मेरा बड़ा टॉप ये विषय जो है ना ये बहुत प्रिय, मुझे लगा कि इसमें मुझे मैं होता हुआ तो कहा, बोले मैं तो चाह रहा था तुम्हें, मैंने कहा मत, मेरे को रोना आ जाएगा, अब मत बोलिए, बोले हाँ हाँ, मैंने लोगों से पूछा भी, लोगों ने कहा वो तो बाहर है बाहर है, किसी ने कोई आता पता दिया नहीं, तो वो एक बात छूट गई, उनकी फिल्म में तो किया ही था मैंने। उसके बाद गायना में मैंने अनमोल बंधन फिल्म बनी थी, उसमें डांस भी किया था और कोरियोग्राफी भी की थी, साउंड साउंड ऑफ शुगर कैन एक फिल्म बनी थी गायना में, उसमें मैंने हीरो का किया था, वो इंटरवल तक मैंने काम किया है उसमें, उसके बाद अंग्रेज से लड़ाई लड़ते हुए मेरी डेथ दिखाई है और इंटरव्यू में ख़त्म होता हूँ, वो घर की कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी कि मैं पूरी फिल्म नहीं कर रहा था, अभी घर में मंजूर नहीं था घर में, मेरे घर में पत्नी को कि मैं किसी और हीरोइन के साथ काम करूँ, वो अच्छी बात नहीं थी, पर अनफॉर्चुनेटली घर में शांति रखने के लिए अपने को एक सीन खड़ा कर लिया और ख़त्म हो गए, और वो उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड से एक पांडे करके एक था उसको बुला के मेरे बेटे का रोल उसको करवा के लड़ाई है, वो बड़ा अच्छी फिल्म थी, बड़ी साफ़ सुथरी, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडियन और अफ्रीकन मजदूर लोग खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बहरहाल वो बनी फिल्म साउंड ऑफ शुगर के। बस ज़्यादा फिल्मों से मेरा रहा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा लग गया था देख देख के, लता जी आशीष जी से मुझे फिल्म वालों को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला, मैंने जान लिया था कि लोग कल पे जीतते हैं, कल सब ठीक हो जाएगा कल, पर वो बहुत मुश्किल से वो कल आता है किसी किसी की ज़िंदगी में, ज़्यादातर के नहीं, वो अच्छा हुआ, मुझे लगा कि मैं अपनी लाइन नहीं छोड़ूँ ताकि मेरी उम्र भी हो जाएगी तभी मैं, और बाद से आज मैं 79 रन कर रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आसपास भरे पड़े हैं देश विदेश में इंडिया में यहाँ पर, तो आज कम से कम इज्जत से जी रहा हूँ, तो ये बात मेरी फिल्मों की उससे ज़्यादा नहीं, मुझे कोई उसके अफसोस भी नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन माय कंट्रीब्यूशन। कथक क्वीन सितारा देवी और गोपी कृष्ण जी, ये दोनों ही सर्वोच्च कथक के नर्तक, और साथ में फिल्मों में भी इनकी एक अपनी एक अलग छवि, और ख़ास तौर पे इन्होंने कथक को एक बहुत सात्विक तरीके से भी फिल्मों में प्रस्तुत किया, तो सितारा जी के साथ आपके भी बहुत अच्छे संबंध रहे गोपी कृष्ण जी, इन दोनों के विषय में और इन दोनों के साथ के आपके क्या संस्मरण हैं? तो मैंने अभी आप को जिक्र किया, वो बात मुझे आ रही, मतलब मैं बड़ा स्वाभाविक शायर रहा हूँ, गोपी कृष्ण जी बड़े बहुत सिंसियर फ्रेंड रहे मेरे,
सितारे जी का बहुत प्यार मिला मुझे, बड़े बड़े तबला नवाज से पंडित कृष्ण महाराज जी, उदय महाराज जी, इन लोगों का स्नेह बहुत मिला है। उस्ताद हाफिज अली खान साहब, गुरु जी सुंदर प्रसाद जी, सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला मुझे, मन से बिल्कुल पर्सनल। बस आप हाफिज अली खान साहब के भी बेटे, दोनों ही बेटे मेरे मित्र रहे, अमजद के हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। यहाँ दो बार आए हैं, उनके बच्चे मेरे बच्चे साथ साथ बहुत मिलते हैं, और हाँ लेकिन अमजद भाई की दोस्ती शुभा लक्ष्मी की वजह से है, इससे पत्नी बहुत अच्छी है, तो चल रहा है। मैं ये बात बताना चाह रहा था, सितारा दीदी का जिक्र आ रहा था ना, सितारा दीदी बड़ी मज़े के हैं वो, बहुत एक बार मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा स्टेज पे, एक एक को आई थी दिल्ली, कुछ फ्रस्ट्रेशन था उनको, एक एक टुकड़ा बोलेंगे, एक एक को पकड़ के उसके बारे में बोलेंगे नेगेटिव बात, और सामने एकदम नाम लेके, और वहाँ ये हुआ था वो, ये सुनील को हमने नाम नहीं बोला शर्म, एनीवे इन्हें उन्होंने इतना कह सकता, उन्हें महाराज जी को नहीं छोड़ा, और क्या हुआ उनके एक गत धा करके कुछ करती थी, एक टुकड़ा बंदूक की गत, मैं दूसरी लाइन में बैठा हुआ था, अब वो लतीफ तबले पे थे, उन्हें जो कत 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 धा कर दिया, तो ऐसे लतीफ बोली अरे प्रताप को गोली लग जाएगी, एकदम उनका आँख पड़ी, अरे हाँ प्रताप बताइए, सबको बुरा बोल चुके हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, बड़े से बड़े डांसर बैठे थे इंक्लूडिंग महाराज जी, और मैं हाँ ये है, इसने देखिए मराठा है, और ये इसके घर खानदान में वो कुछ नहीं हुआ, पर ये देखिए कितना काम कर रहा भाग, और उनका सबकी बुराई करके मेरा तारीफ करना, मेरे को ऐसा हो गया कहाँ छुपूँ उनका, पर हुआ था ये, कई लोग जानते हैं इस बात को, तो बल्कि उनका मेरी सराहना करना है मेरे लिए तो बुराई से बद हो गई। चलिए पर दीदी का एक बात है, वो एक मज़े की बात सुनाऊँ, मैं और नंदिनी नंदिनी सिंह हमने बम्बई में प्रोग्राम किया, एक हमारे तराने पे लिख गज़ल करते थे, उसमें हम दोनों मिलके रहते थे, मैं करता था सिलसिला, हाँ दीदी क्या करती थी, अपनी बॉटल लेके आती थी सर दीदी, और खाना हमारे लिए बना के लाती थी, बम्बई की बात हो रही अभी कुछ साल पहले की बात, तो देखती थी बैठी मौज लेती थी, बहुत शो होने वाला था उसको बड़ा ये था कि हम क्या कर रहे हैं, तब मैं हम रेल कर गौर से देख रही थी, मुझे अरे ये क्या कर रहा है, मैं ये शेर ऐसे कर रहे हैं, अब मैं कर रहा था बड़े संस्कृत में, वो खड़ी नंदिनी हमारे दोनों का था, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, सिलसिला जुल्फ का जब रुख पे बिखर जाता है, जाम टकराते हैं, जाम टकराते हैं, मैं खाना सर जाता है, कट गई वसल की शब, कट गई वसल की शब, और कोई आहट ना हुई, वक्त यूं दबे पाँव गुजर जाता, ये था तो वो गई, तो हम वसल की शब में देखता नंदी को करके ऐसा हाथ रख लेते, वो कहती एकदम खड़ी हो गई, ऐसा मूड बना उनका, अरे ये क्या कर रहा है, वसल की शब इसलिए खाते हैं क्या, इधर आ नंदी ने खड़ी हो गई, वसल की शब, अरे वो तो खींच उसको लपेट गले से लगा, फिर बोल, एकदम घबरा गए नंदी ने इसके लिए, क्या भैया हम लोग ऐसा करेंगे क्या, मुझे कह रहे भैया भैया कहती हूँ भैया हम लोग ऐसा करने वाले हैं क्या, मैंने कहा नहीं धीरे से मैं बोल दिया, मैंने कहा अभी बस ऐसे कुछ कर लो, ऐसे थोड़ी करना है हमको, कोई बोलो मत तो चिड़े जाएंगे नाराज़ हो जाएंगे, तो हाँ हाँ कर लो, हाँ करें दीदी आप करिए, बहुत अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे करेंगे, तो ऐसी थी वो सिद्धार्थ, मैं अपने बहुत प्यार से अपने घर पे कई बार ठहराती थी, तो क्या क्या सिखा दिखा, बहुत उनको इतना उनका नृत्य के लिए रहता था,
वो मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें उनके साथ, गोपी भाई के साथ, बहुत सारे कलाकारों के साथ मैं बहुत करीब से अच्छे रिश्ते रहे मेरे जीवन में, वही एक यादें हैं, वही रहती हैं। बाहर भी देखिए, शाला दीदी मेरी, वो कथक सीखने आई थी, अंग्रेज़ हैं, उन्हें 61 में मुझे राखी बांधी थी, आज भी चलती हैं, वो अमेरिका में है, मुझसे बड़ी हैं, तो इंग्लिश हैं, और वो राखी आज उनके आती है, बांधती रहती मुझे। तो इन्हीं सब बातों पे मैं, हम लोग अच्छे लगते हैं ना जीवन में, कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, और कुछ लोग इतने बड़े बड़े नाम होते थे जिनके लिए हम पहले शुरू में सोचते कि इनसे कभी मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं, सितारे दीदी हैं, गोपी कृष्ण जी, इनके बाद में फिर इतने इंटीमेसी हो गई, इतने पास, कितने करीब रिश्ते हो गए, ये बहुत बड़ी कमाई है। मैं तो इसको ये समझता हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत सा मुझे। तो मेल डांसर्स भी हों, कॉम्पिटिशन का नहीं है ना, कई लोगों का मेरे से बड़ा, खुद दुर्गा लाल कितना सही था मेरे साथ, उसके साथ में कई ऐसे हैं, उनके भी सराहे हैं। सुदर्शन धीर के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती रही, तीर्थ अजमानी, प्रदीप शंकर हैं, हम सब बड़े दुर्गा लाल सब, मतलब बहुत प्यार रहा आपस में। तो आज इतनी बात मैं करना चाहूँगा, और कुछ बात होगी तो आप पूछ लीजिएगा बस, हैं, तो फिर मैं कहूँ। बातें इतनी सारी हैं भाई, समय नहीं ठीक है, मैं सही सही बोल रहा हूँ आपको, करने का मन नहीं होता आज का ये। अब ये प्रार्थना करता हूँ दिन और रात, ईश्वर करे ये समय ख़त्म हो जाए, तो फिर हम कुछ लोग सांस लें, कुछ और अच्छा करें। जो कुछ कर पाया मैंने कर लिया, आप देख लीजिए कितना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और सारे लोगों को मेरा नमस्कार, सब लोगों को ये मैं कहूँगा कि खूब मन से कथक सीखें, उसकी मेहनत करें, और हमारे इस देश की इतनी बड़ी कला को बढ़ाएं। गुरु जी, हम सभी की भी ईश्वर से यही कामना है कि इस धरती को इस संकट से जल्दी मुक्ति मिले, और हम सभी कलाकार दोबारा अपनी लय में अपने दर्शकों के बीच उपस्थित हों। आपका यहाँ आने के लिए, यहाँ अपने संस्मरण और अनुभव हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।